वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेसिपी के लिए हमने एक बड़ा प्याज ले लिया, एक मिर्च कट कर लिया, आधा कप बेसन ले लिया और 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा ले लिया और ये आधा केजी बथुआ है, इसको हमने साफ़ कर लिया, थोड़ा बहुत कचरा भी निकला था इसमें से, वेस्टेज। और ये 1.5 लीटर करीब छाछ, तो चलिए बथुए को अब हम उबाल लेते हैं। आधा कप के करीब हमने पानी डाल दिया सॉस पैन में, अब बथुआ डाल देंगे। बथुआ काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लेता उबलने में, जल्दी से ही गल जाता है, 10 से 15 मिनट में लेगा ये ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए गैस को ऑन कर दिया, अब हम इस सॉस पैन को चढ़ा दिए, इधर हम छाछ को तैयार कर लेते हैं। इसमें 3 चम्मच बेसन डाल लेंगे हम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि हमें थोड़ा छाछ पतली लगे तो 1 चम्मच और ऐड कर लेंगे हम। ये देखिए 1 और चम्मच डाल दी हमने बेसन की। इधर देखिए भथवा भी गल गया, अब ये देखिए इधर गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हुए, ये देखिए ऑयल गरम होने पर हमने इसमें हींग डाल दी। मस्टर्ड सीड्स डाल दिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक को अच्छे से क्रश कर लिया था हमने, इसे हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे हम। ये देखिए ब्राउन हो गया, अब हम इसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स ये रेसिपी राजस्थान में बहुत अधिक बनाई जाती है विंटर्स में, जब बथुआ काफ़ी मात्रा में आता है हरी सब्जियां, तब। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। अब ये बथुआ उबल चुका था, इसको चम्मच से क्रश कर लिया था अच्छे से मसल के। अब इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें छाछ ऐड कर देंगे। अब जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक इसे हिलाते रहेंगे।
फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत होती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए कलर आने लग गया कड़ी में। भतवा हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देखिए उबाल आ गया, कड़ी रेडी हो गई।